तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है इतना सारा। और मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हाई का एच कैपिटल हो, और यहाँ पे ई का ई कैपिटल हो, टी का टुडे का टी कैपिटल हो, इन का आई कैपिटल हो, और दिस का टी कैपिटल, मतलब फर्स्ट जो लेटर है उसको मैं कैपिटल करना चाहता हूँ। और अगर मैं वन बाय वन जाऊँ सबके ऊपर, और यहाँ पे जाने के बाद फिर सिंपल सा शिफ्ट एच प्रेस करूँ, और उसका फिर जाके कैपिटल ई प्रेस करूँ, ऐसे करते करते अगर ये तो यहाँ तक है, ये तो सही है, तीन लाइनें हैं सही है। अगर यही अगर 1000 या फिर 100 लाइनें हो तब मैं क्या करूँगा, तो डेफिनेटली बहुत सारे टाइम लगने वाला है। तो मैं एक ऐसा प्रोसेस बताऊँगा जो कि आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो, ठीक है? तो वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, मैं इसे यूज़ करूँगा, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो ये एक्सटेंशन को यूज़ करूँगा एक्चुअली, और कुछ नहीं। यहाँ से जो मैंने ये कर रखा है पहले से ही, ठीक है, और इसका सिंपल सा कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, कंट्रोल सी प्रेस करूँगा, कॉपी हो चुकी है। और सिंपल सा यहाँ पे पेस्ट हियर का ऑप्शन है, सिंपल सा इस पर कंट्रोल भी प्रेस करके पेस्ट कर लूँगा। और तो यहाँ पर मैंने टाइटल केस पे क्लिक करा, जैसे ही टाइटल केस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये हो चुका है। देखो हाई का एच कैपिटल है, एवरी वन का ई कैपिटल है, टूडे, और मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे कॉपी करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, इसको हटाऊंगा, ठीक है, और कंट्रोल भी प्रेस कर लूँगा। देखो यहाँ पे हाई का एच कैपिटल है, एवरी वन का ई कैपिटल है, टूडे का टी कैपिटल है, इन का आई कैपिटल है, मतलब जो मैं चाहता था वो मैंने कर दिखाया। और इतना ही नहीं, अगर मैं चाहूँ तो सपोज मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे चाहिए कि यार मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं सारे जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है सबको मैं अपर केस में करना चाहता हूँ, तो सिंपल अपर केस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें अपर केस में हो चुकी है कन्वर्ट। और अगर मैं चाहूँ तो सेंटेंस केस में भी क्लिक कर सकता हूँ, देखो ये सेंटेंस केस में हो चुकी है, अपर केस में हो चुकी है, टाइटल केस में हो चुकी है। तो एक्चुअली ये मैंने कैसे करा, तो ये आप अगर आपको जानना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना आपको। तो गाइज मैं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फन टू स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे एक्सटेंशन के ऑप्शन पे चले आना है, ठीक है? एक्सटेंशन के ऑप्शन पे जाने के बाद फिर देखो मोर टूल का ऑप्शन है, मोर टूल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे मोर टूल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखेगा, एक्सटेंशन के ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना एक्सटेंशन के ऑप्शन पर, तो फिर यहाँ पे ओपन क्रोम वेब स्टोर का ऑप्शन है, सिंपल इस पर जाना है, क्लिक कर लेना। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे उसके फिर सिंपल से यहाँ पे सर्च द स्टोर का ऑप्शन है, ठीक है? तो इस पर क्लिक करना है, और इस पर जाकर आपको टाइप करना है टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये टाइप करने के बाद सिंपल से इंटर कर लेना है। जैसे आप इंटर कर लोगे ना तो फिर कुछ इस तरह से ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे इंटर करोगे तो इंटर करने के बाद फिर थोड़ा सा वेट कर लेना, वेट करने के बाद फिर यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ मोर एक्सटेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मोर एक्सटेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो फिर देखो यहाँ पे कुछ ऐसे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, और देखो जो एक्सटेंशन मैं बताता हूँ वही एक्सटेंशन आप यूज़ करना। और अगर कोई दूसरा एक्सटेंशन यूज़ करोगे तो ये जो आप चीज़ें करने चाह रहे हो ये चीज़ें हो नहीं पाएगी, और उसके बाद फिर आप मतलब अपने फालतू में टाइम वेस्ट करोगे। तो ये एक्सटेंशन को आप यूज़ करना, सिंपल से इसे क्लिक करना टेक्स्ट ट्रांसफर का ऑप्शन पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन दिख रहा है, आपके केस में यहाँ पर एड टू क्रोम का ऑप्शन दिखेगा क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन दिख रहा है, आपके केस में ए टू क्रोम का ऑप्शन दिखेगा। और तो रेटिंग वगैरह की बात करो तो 5 स्टार है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे अभी तक मतलब यहाँ तक यूज़ नहीं करा, मतलब लोगों का रीच यहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन ये बेस्ट है मेरे ख्याल से, ठीक है? उसके बाद फिर देखो और भी आप चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है जो कि आप डाउनलोड करने के पहले पढ़ सकते हो, ठीक है? ये आप ट्राई करना, हर एक जगह ये चीज़ें बेस्ट होती है क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सप्लोर करना होता है। और यहाँ पर देख लो गाइस मतलब 247 KB की ही है, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और डेवलपर वगैरह का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं पहली बार विजिट कर रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करना। और हाँ, ऐसे ही कमाल कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़।